अगर किसी को बचपन से ही मीठा खाने का शौक नहीं था तो फिर उसे डायबिटीज कैसे हो गया? अगर किसी के खान पान में कुछ भी गलत नहीं है तो फिर उसे डायबिटीज कैसे हो गया? भारत में इतनी तेजी से डायबिटीज के पेशेंट की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान डायबिटीज की राजधानी बनने जा रहा है? आज जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। ये वो सवाल है जो हर ड्राइंग रूम में डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन इनके जवाब पर कोई डिस्कशन नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, डायबिटीज की पहेली सुलझाना करीब करीब असंभव सा हो गया है, लेकिन कुछ जांच पड़ताल के बाद मैं आज आपके साथ इन सभी सवालों के जवाब डिस्कस करूंगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई मीठा नहीं खाता तो भी डायबिटीज क्यों हो जाता है, किसी का खान पान गलत नहीं है तो भी डायबिटीज क्यों हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब एक या दो ही हैं, बस बहुत सारे रीजंस खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बात शुरू करते हैं। इसका पहला जवाब जो है वो हमें मिलेगा हमारी डाइट में। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का जो भोजन है, हम भारतीयों का, वो मुख्यतः अनाज पर बेस्ड है। हमारी थाली का मेजर हिस्सा जो होता है वो अनाज होता है। पंजाब वाले रोटियां खाते हैं, तो बंगाल वाले चावल खाते हैं, उड़ीसा वाले चावल खाते हैं, यूपी बिहार वाले चावल रोटी दोनों खाते हैं। करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो चावल और रोटी, गेहूं की खासतौर पे, ये दो मुख्य अनाज हैं जो हमारे खाने का हिस्सा होता है। जब हमारी थाली सजती है तो आधी थाली में तो चावल होता है, बिहार और बंगाल में भात कहते हैं, और उस चावल के ऊपर उत्तर प्रदेश में दो रोटियां भी रख दी जाती हैं। पंजाब में जाएंगे तो दर्जन के हिसाब से रोटियां रहती हैं, 6, 9, 12, और जो बाकी की थाली बची उसमें रहती है एक छोटी कटोरी में दाल, एक छोटी कटोरी में सब्जी, एक छोटी प्लेट में सैलड। इन चीजों से हमारी थाली पूरी हो जाती है। अब इस थाली का अगर आप गौर से इंस्पेक्शन करें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर, तो देखिए क्या खा रहे हैं। जो अनाज हम खा रहे हैं, गेहूं है या चावल है, वो हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान कर रहा है। छोटी सी कटोरी में हमें दाल में कुछ प्रोटीन मिल रहा है और सब्जी में थोड़ा सा विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं। इसी तरह जो सैलड है उसमें भी कच्ची सब्जियां होती हैं, तो उसमें थोड़ा हल्का सा फाइबर और विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं। अब आप इसको तौलने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि कुछ चीजों की बहुत कमी है और कुछ चीजें बहुतायत में, जिसमें आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो अनाज से आ रहा है ना, जो रोटी और चावल हम खा रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार है हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाने के लिए। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, ये काम ही है, इसकी जरूरत भी है। लेकिन गलती कहां हो रही है? हमारे शरीर को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता है और वो बहुत जरा सा है, एक कटोरी दाल के रूप में। और विटामिन्स और मिनरल्स क्योंकि सब्जियों में ही जहां उगाई जा रही है वहीं से उसका ह्रास हो गया है, यानी वहीं से उसकी कमी हो गई है, और हम उसके बाद ले रहे हैं जरा सा, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, वो न के बराबर है। तो विटामिन और मिनरल हमारी डाइट से मिसिंग हो रहा है, साथ में फाइबर। खड़ा अनाज खाना छोड़ दिया हमने और फल सब्जियों से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, तो फाइबर जो कि ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है वो भी मिसिंग हो रहा है। अब इस बैलेंस के बिगड़ने से हो क्या रहा है, इसका डायबिटीज से क्या ताल्लुक है? इसका डायबिटीज से ताल्लुक ढूंढना है तो हमें इसके दूसरे जवाब पर जाना होगा, और वो हमारे लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है, और वो है हमने अपनी मसल्स का इस्तेमाल
न के बराबर कम कर दिया है। आइए इन सब कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये हमें डायबिटीज की मंजिल तक ले जाती है। अब शरीर में कार्बोहाइड्रेट तो आ रहा है ज्यादा, और उस कार्बोहाइड्रेट के साथ हमारी डाइट में फाइबर न होने की वजह से वो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ग्लूकोज रिलीज करता है फटाफट और सीधे वो हमारे खून में चला जाता है। अगर डाइट में फाइबर भी शामिल होता तो वो उसको थोड़ी देर बांध के रखता है, जिससे वो ग्लूकोज थोड़ा धीमी गति से रिलीज होता और उस वजह से ब्लड शुगर तेजी से ऊपर नहीं जाता। अब उस कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं हम, ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट अनाज की वजह से, और उसको जलाने की व्यवस्था नहीं कर रहे। जलाने की मतलब वो जब ग्लूकोज के फॉर्म में हो जा रहा है तो अब ब्लड में जाता है, तो वहां से उसको सेल में पहुंचना है और वहां जल करके एनर्जी रिलीज करनी है। तो एनर्जी कब रिलीज करेगा? जब बॉडी एनर्जी डिमांड करेगी। अब हमने अपना लाइफस्टाइल एकदम स्थूल बना दिया, स्टैटिक, ज्यादा शारीरिक काम नहीं करते, अपनी जो मसल्स हैं उनका कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इससे क्या होता है? अगर मसल्स काम करती तो एनर्जी डिमांड करती, और एनर्जी डिमांड करती तो वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाके बर्न होता और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता और हमारी मसल्स इस्तेमाल कर लेती, तो इस तरीके से सब बैलेंस हो जाता। लेकिन एक तरफ कार्बोहाइड्रेट बढ़ा लिया, ग्लूकोज रिलीज हो रहा ज्यादा, दूसरी तरफ हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो हमारी मसल्स उसको बर्न करने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रही। तीसरा, डाइट में जो प्रोटीन है उसकी बहुत कमी है। प्रोटीन बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है कि अगर प्रोटीन ज्यादा आएगा तो कम से कम मेटाबॉलिक रेट बना रहेगा अच्छा, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव रहेगा, और वो जब एक्टिव रहेगा, मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, तो वो भी एनर्जी डिमांड करता है, उससे भी ग्लूकोज बर्न होता है। तो हमने अब तीन तरफ से बंदोबस्त कर दिया है अपने ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का। अब आप समझ गए ना, मीठा नहीं भी खाने का शौक है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते होंगे, वो कहते हैं हमें तो मीठा पसंद ही नहीं है, पता नहीं कैसे डायबिटीज हो गया। यहां मीठे से कुछ लेना देना नहीं था। बहुत से लोग जो जिनका खान पान बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है, एकदम अच्छा है, बढ़िया से रोटी चावल दबा के आधी थाली चावल दाल सब्जी है ना, यही खाते हैं, लेकिन फिर भी डायबिटिक हो गए, क्योंकि न्यूट्रिशनल बैलेंस बिगाड़ दिया। आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि यही थाली थी ना आज के 30-40 साल पहले भी, तो जी यही थाली थी, बल्कि खुराक ज्यादा थी लोगों की, और ज्यादा चावल खाते थे और ज्यादा रोटियां खाते थे, लेकिन उससे रिलीज होने वाले ग्लूकोज को जलाने का सारा बंदोबस्त उनके पास था, क्योंकि शारीरिक गतिविधि काफी ज्यादा थी, तमाम ऐसे घरेलू काम करते थे जिनमें मसल्स का भरपूर इस्तेमाल होता था, तो वो ग्लूकोज बर्न हो जाता था। आप में से सबने अपने फादर या अपने ग्रैंडफादर से वो किस्से कहानियां सुने होंगे कि उनका स्कूल घर से 10 किलोमीटर दूर था और वो रोज पैदल ही स्कूल जाते आते थे। आज जितना वो एक दिन में स्कूल जाते आते थे, उतना आज बहुत सारे लोग एक महीने में भी पैदल नहीं चलते। पैरों में ही सबसे ज्यादा मसल्स हैं, है ना, हिप से नीचे ही ज्यादा मसल्स हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग शिकायत लेके आते हैं कि ये हाथ यहां से कंधा नहीं उठ रहा, 10 साल से इस मसल्स को यहां तक स्ट्रेच किया ही नहीं है आपने कभी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी कि मसल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कार्बोहाइड्रेट हाई है, ये आपके लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है कि उसको बर्न कर पाए अच्छे से, उससे रिलीज होने वाले ग्लूकोज को। नंबर टू, प्रोटीन शॉर्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स घटाइए, अनाज थोड़ा घटाइए, मोटा अनाज खा सकते हैं, वहां आपको फाइबर भी मिलता है। प्रोटीन बढ़ाइए, प्रोटीन बढ़ाएंगे तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी मसल बिल्डिंग में भी काम आएगा, आपकी बॉडी के रिपेयर फास्ट होगा। तो
कार्बोहाइड्रेट घटाएं, प्रोटीन बढ़ाएं, फाइबर बढ़ाएं, ताकि ग्लूकोज तेजी से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज ना हो। फाइबर कहां मिलेगा? हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा, खड़े अनाज में मिलेगा। फाइबर बढ़ाना पड़ेगा, फाइबर ऑलमोस्ट मिसिंग हो गया है। फैटी एसिड जैसे गुड फैट कहते हैं, वो तो गायब है, डाइट में कहीं है ही नहीं। कुछ लोगों को लगेगा हम तो अलसी खाते हैं, कितनी खाते हैं, 365 दिन में कितना, वो जीरो के बराबर है। और विटामिन्स और मिनरल्स बढ़ाना होगा, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी सब्जी खाने में जितना मिलता था अब उतना नहीं मिलता। तो एक बार इसको सीरीज में समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली करना है, क्या करेंगे। तो ये जो सवाल है जो हर ड्राइंग रूम में चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। करना ये है, कार्बोहाइड्रेट नीचे लाना है, प्रोटीन ऊपर ले जाना है, फाइबर ऊपर ले जाना है, फैटी एसिड ओमेगा 3 ऐड कर लेना है, प्लस विटामिन्स और मिनरल्स बढ़ाना है। उसका सबसे अच्छा स्रोत सब्जियां होती हैं, जितनी कच्ची खा सकते हैं खाएं। मैं आपको एक और रूल बता सकता हूं, आप दिन में अगर 3 मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो कम से कम 1 मील रॉ वेजिटेबल्स का रखें, भर पेट रॉ वेजिटेबल्स खाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी दिनचर्या में पर्याप्त विटामिन मिनरल्स और फाइबर, और साथ में आपका पानी की भी आपूर्ति हो जाया करेगी। तमाम सब्जियों में भरपूर पानी होता है, तो ये आपके लिए सेहतमंद होगा और आप डायबिटीज से कोसों दूर रहेंगे। साथ में आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि फिजिकल एक्टिविटी पर्याप्त रहे। अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है जहां फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने को मिलता, तो आपको किसी भी कीमत पर सुबह शाम रात किसी भी टाइम आधा घंटा निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें जिसमें मसल्स का वर्कआउट हो, है ना, स्ट्रेचिंग करें, जॉगिंग करें, नहीं बाहर जा सकते घर के अंदर ही 5 मिनट जॉगिंग करें, जहां आपका आपके मसल्स यूज हो, आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, है ना, जो हार्ट रेट है वो 80 से कम 120 तक ले जाए। तो लोग कहते हैं हम टहलने जाते हैं, टहलने से नहीं होगा, तेज चलना पड़ेगा, जॉगिंग करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि पसीना हो आपको, इस लेवल तक ले जाना पड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी को। तो डाइट के बारे में बात कर दी और फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप इतना ही बैलेंस कर पाए तो तमाम समस्याओं से दूर रहेंगे, तमाम समस्याओं से। याद रखिए, एक बार आप डायबिटिक हो गए तो फिर और बहुत सारी समस्याएं तेजी से आपकी तरफ बढ़ने लग जाएंगी। तो दोस्तों, अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।